जयपुर में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं चारदीवारी के बाद अब शहर के अन्य इलाकों में भी कोरोना पॉजिटिव तेजी से मिल रहे हैं। जयपुर में अब तक 1103 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिनमें 13 सब्जी व्यापारी और 7 दुकानदार शामिल हैं। ऐसे में सुपर स्प्रेड्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सैंपलिंग के लिए 10 टीमें बढ़ा दी गई हैं और रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है। इस दौरान मेडिकल टीमों को स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। सर के आदेश अनुसार आज जो सैंपलिंग की जा रही है वो विद्याधर नगर है, फिल्म कॉलोनी है, रेलवे स्टेशन है, रामगंज है, भट्टाबस्ती है। विद्याधर नगर में जैसे पॉजिटिव केस आया 2 दिन पहले और उसके बाद उसके पिताजी पॉजिटिव आए, तो तुरंत CMHO सर, जो CMHO फर्स्ट डॉक्टर नवरत्न शर्मा सर ने तुरंत एक्शन लेते हुए यहाँ पे सैंपलिंग करवाने का काम आज से शुरू कर दिया है। आज लगभग 300 के करीब यहाँ सैंपल होंगे और कल भी उम्मीद है आने वाले 3-4 दिनों में यहाँ पे 300 से 500 के बीच में रोज़ाना सैंपलिंग होगी।